हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो दिल्ली के दंगल से जुड़ी हर खबर आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज पर। सीएम अरविंद केजरीवाल, जिन्हें आज नामांकन दाखिल करना है, कल कर नहीं पाए थे क्योंकि जो तय वक्त था 3 बजे तक का, तब तक अरविंद केजरीवाल पहुंच नहीं पाए थे दफ्तर में और दफ्तर बंद हो गया था। फिलहाल अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कांग्रेस और बीजेपी ने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है और अब आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह कह रहे हैं कांग्रेस और बीजेपी ने इन नामों के ऐलान से हार मान ली है। संजय सिंह से एबीपी न्यूज संवाददाता अंजलि सिंह ने खास बातचीत की। दो नाम सामने हैं, कांग्रेस से रोमेश तबरवाल हैं और बीजेपी से सुनील यादव, क्या लगता है? मुझे लगता है कि बीजेपी की पूरी सूची आने के बाद मैं इस बात को कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ने से पहले हताश और निराश हो चुकी है, चुनाव का मैदान छोड़कर भाग चुकी है और उनके पास कोई चेहरा अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ लड़ाने के लिए नहीं है। उनके पास कोई चेहरा नहीं है जो ये बता सके कि उनकी पार्टी से मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। तो इसलिए टीम विदाउट कैप्टन और बिना दूल्हे की बारात है भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के अंदर। और आप देखिएगा चुनाव में इसके परिणाम जब आएंगे तो इस बात का भी बहुत बड़ा फायदा आम आदमी पार्टी को मिलेगा। बीजेपी ने जो लिस्ट जारी की सर, उसमें अपने पुराने नेताओं को या जो निगम में काम कर चुके हैं उन लोगों को प्रेफरेंस दी है, लग रहा है कि वो जमीनी कार्यकर्ताओं को सामने लाना चाह रहे हैं। नहीं, मुझे लगता है कि ये पूरी सूची देख के ऐसा लगता है कि जैसे वो चुनाव लड़ ही नहीं रहे हैं, वॉकओवर दे चुके हैं वो। भाई इस प्रकार की चर्चा थी कि पार्टी के अपने मजबूत चेहरों को लड़ाएंगे, सात सात उम्मीदवार हैं उनके मुख्यमंत्री का चेहरा बनने के लिए, तो उसमें से कम चार को लड़ाएंगे, ये चर्चाएं थी, लेकिन सब पहले ही हार मान चुके हैं। तो चुनाव में लड़ने से पहले ही हार मान ली है बीजेपी और कांग्रेस ने, ये दावा किया जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से।